स्वागत है आप सभी का अरिहंत ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों, इस वीडियो का जो एक पर्पज है वो पर्पज यही है कि आपकी DSSSB की PGT और TGT की जो कंप्यूटर साइंस की एग्जाम है उसका जल्द से जल्द रिवीजन हो, और उसके बाद हम इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लगाएं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो पहले हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं, सारे टॉपिक्स को थोरोली एक बार रिवाइज कर लेंगे जल्दी जल्दी से, ताकि आपको कॉन्सेप्ट जल्दी से पता चल जाए। और उसके बाद हम फिर सेशन वाइज मैं आपके लिए खुद सेशन बनाऊंगा जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं वो जो एक्सपेक्टेड टाइप के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, APS के एग्जाम में आ चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स से, जैसे कि एल्गोरिथम, डेटाबेस, डेटा स्ट्रक्चर, कंपाइलर डिजाइन, थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो भी सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके सबके लिए। तो दोस्तों, मुझे सिर्फ आपका रिस्पॉन्स चाहिए, आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, क्वेश्चंस पूछते रहें, आपस में डिस्कस करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोज लाता रहूं, ताकि आपकी प्रिपरेशन फुल ऑन पेस से चल सके। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यू ऑल नो इट राइट, इसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसे कहा जाता है। बेसिकली एक एप्लीकेशन सिस्टम है जिसका कि जो मेन पर्पज है वो है पूरे डेटा के अराउंड रिवॉल्व होता है कि डेटा को आप मैनेज कैसे कर रहे हो राइट। तो पूरा डेटा को जो मैनेजमेंट करने का सिस्टम है वो DBMS के अंतर्गत आता है। दिस इज अ सिस्टम दैट अलाउज इट्स यूजर टू स्टोर द डेटा, डिफाइन इट, रिट्रीव इट एंड अपडेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा इनसाइड द डेटाबेस। जो इसका एक मेन पर्पज है DBMS का, वो है कि आप डेटा को स्टोर कर सकें, उसको डिफाइन कर सकें कि डेटा आपका कैसा है, जब भी उसकी रिक्वायरमेंट हो आप उसको रिट्रीव कर सकें, उसको अपडेट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग का अगर हम एग्जाम्पल लें दोस्तों, बैंकिंग सर्विस का, तो आप डेटा स्टोर कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स का, आपने एम्प्लॉयज का डेटा स्टोर कर सकते हो, उसको डिफाइन कर सकते हो कि ये हमारे कस्टमर्स हैं, ये हमारे एम्प्लॉयज हैं, इन्होंने लोन ले रखा है। तो आप जो भी डेटा आप डिफाइन करना चाहते हो, स्टोर करना चाहते हो, वो स्टोर कर सकते हो। उसके बाद आप अकाउंट नंबर से किसकी क्या इंफॉर्मेशन है वो रिट्रीव कर सकते हैं। अगर किसी ने बाद में अकाउंट लोन पे कर दिया है, या फिर किसी ने नया पेमेंट लिया है या पेमेंट वापिस दिया है, तो आप इस तरीके से अपडेशन भी उसमें कर सकते हैं। तो ये जो सारी प्रक्रिया है, ये जो सारी प्रोसेस है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट के अंतर्गत आती है राइट। तो दोस्तों, यही सब कुछ DBMS के अंतर्गत हमको पढ़ना है। हम डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप सबको पता है राइट। नाउ अब मेजर एडवांटेजेस की बात की जाए DBMS के, तो क्या क्या है। तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत फ्रिक्वेंटली आ सकते हैं ABC ऑप्शन के रूप में, और आपसे पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस एंड व्हाई। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए व्हाई राइट। तो जो आप देखेंगे, सबसे पहले कंट्रोल्ड रिडंडेंसी, इट इज वन ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑफ द DBMS। व्हाई इट इज वन ऑफ द मेजर एडवांटेजेस, बिकॉज कंट्रोल रिडंडेंसी मतलब बेसिकली कंट्रोल रिडंडेंसी इज ऑल अबाउट डुप्लीकेसी ऑफ डेटा। डुप्लीकेसी ऑफ डेटा मतलब कि आपका डेटा एक ही जगह स्टोर करके रखे ताकि डुप्लीकेसी ना हो। तो उस डुप्लीकेसी ना होने के कारण एक ही डेटा बार बार रिपीट ना हो, कि सपोज एक कस्टमर, जैसे बैंकिंग का ही हम एग्जांपल लेते हैं, कि एक कस्टमर का इंफॉर्मेशन आपने इस बैंक में यहाँ लगा रखा है, सपोज इट इज एनी स्पेसिफिक सिटी, अगर वो किसी दूसरी स्पेसिफिक सिटी में बैंक में जाता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन वही होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन अपडेट हो गई, यहाँ पर वापस वही इन्फॉर्मेशन अपडेट हो गई। अल्टीमेटली डुप्लीकेसी ऑफ डेटा नहीं होता है DBMS में, ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है डेटा शेयरिंग। क्या होता है डेटा शेयरिंग? डेटा शेयरिंग का मतलब होता है दोस्तों, मल्टीपल यूजर्स एक ही साथ डेटा शेयर कर सकते हैं। मल्टीपल यूजर्स को हम डेटा शेयर कर सकते हैं एक ही साथ में, और डेटा कैन बी शेयर्ड अमोंग ऑल यूजर्स, और दे कैन बी मल्टीपल यूजर्स साइमल्टेनियसली कैन शेयर। तो इट इज वन ऑफ द बिगर एडवांटेज राइट। अगली अगर बात करें दोस्तों, तो बैकअप एंड रिकवरी फैसिलिटी। ये क्या होती है बैकअप एंड रिकवरी फैसिलिटी? बेसिकली जो आपका पेन होता है कि आप बार बार अपने डेटा का बैकअप कैसे लें, तो ये DBMS ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है राइट। ऑटोमेटिकली ये क्रिएट करता है
डेटा बैकअप और ऑटोमेटिकली ये रिकवरी और रिस्टोर कर देता है डेटा बैकअप को, ठीक है। तो जो बैकअप एंड रिकवरी की फैसिलिटी होती है ये भी एक अच्छा बड़ा एडवांटेज है डीबीएमएस का। ये हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं दोस्तों, मुझे पता है आपको पता हो सकता है, लेकिन आप पेशेंस से सुने, इन पॉइंट्स को नोट करते जाएं ताकि इस टाइप के थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि दोस्तों ये गेट का या यूजीसी नेट का पेपर नहीं है, ये पीजीटी कंप्यूटर साइंस का पेपर है जिसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो आप बिल्कुल इसको पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाएं, समझते जाएं, कुछ नहीं आता है तो आप क्वेरी, कुछ आपको डाउट है तो आप क्वेरी कर सकते हैं, अपने कमेंट डाल के अपने डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला जो दोस्तों इसका एडवांटेज है, इन्फोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी कंस्टेंट। तो दोस्तों इन्फोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी कंस्टेंट क्या होता है, तो इंटीग्रिटी कंस्टेंट इज ऑल अबाउट, यू कैन से दैट इंटीग्रिटी कंस्टेंट इज ऑल अबाउट सम रूल्स, अकॉर्डिंग टू दैट रूल्स यू विल चेंज द डेटा, राइट। तो कुछ रूल्स होते हैं इंटीग्रिटी आपको वहां पर मेंटेन करनी होती है बेसिकली, तो उसको आपने इंटीग्रिटी ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी कंस्टेंट का है, उसके आधार पे उसको रूल को फॉलो करके आप पूरा डेटाबेस मैनेजमेंट संभालता है, राइट। एंड द नेक्स्ट वन इज इंडिपेंडेंस ऑफ डेटा। व्हाट डज इंडिपेंडेंस मींस, इंडिपेंडेंस ऑफ डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज, मींस यू कैन चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा विदाउट चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम, राइट। तो कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम है उसको चेंज किए बिना आप अपने डेटा का स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं बेसिकली, इट इज ऑल कॉल्ड एज इंडिपेंडेंस ऑफ द डेटा। सो ये कुछ मेजर एडवांटेजेस हैं डीबीएमएस के, ठीक है दोस्तों। अब अगला अगर हम बात करें दोस्तों, तो नॉर्मलाइजेशन एक टॉपिक में आता है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन से। एक से दो क्वेश्चन अगर डीबीएमएस से आ रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन से आना स्वाभाविक है, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हम यहाँ पर थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद हम इसके नॉर्मल फॉर्म देखेंगे, 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, राइट, 4NF तक, जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बट फिलहाल हम ये समझेंगे कि डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। तो दोस्तों डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन इज डेटाबेस स्कीमा डिजाइन टेक्निक बाय विच एन एग्जिस्टिंग स्कीमा इज मॉडिफाइड टू मिनिमाइज रिडंडेंसी एंड डिपेंडेंसी ऑफ डेटा। तो बेसिकली कोई भी आपका एक आर्किटेक्चर है, सपोज कोई भी आपका एक डेटाबेस है, तो उस डेटाबेस में मिनिमाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप अपने डेटा के अंदर रिडंडेंसी और कम कर सके, राइट। अपने डिपेंडेंस है डेटा अगर सपोज जैसे डेटा स्टोर होता है सपोज टेबल्स के रूप में, तो किन्हीं भी दो टेबल के बीच में डिपेंडेंसी आ रही है डेटा की तो वो आप रिड्यूस कर सकते हो, डुप्लीकेसी अगर डेटा की वो रिड्यूस कर सकते हो, रिडंडेंसी आ रही है कहीं पर एक ही इन्फॉर्मेशन बार बार रिपीट हो रही है, तो अल्टीमेटली जो रिडंडेंसी है उसको मिनिमाइज करने की टेक्निक को ही हमने नॉर्मलाइजेशन कहा हुआ है। ये हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे इनके नॉर्मल फॉर्म्स के साथ, तो आपको काफी इंटरेस्ट भी आएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम देख रहे हैं अगला इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है नॉर्मलाइजेशन का, नॉर्मलाइजेशन स्प्लिट अ लार्ज टेबल इनटू स्मॉलर टेबल्स एंड डिफाइन रिलेशनशिप बिटवीन देम टू इंक्रीज द क्लैरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा। तो बेसिकली दोस्तों जो नॉर्मलाइजेशन है वो लार्ज टेबल को क्या करती है, शॉर्ट टेबल में कन्वर्ट कर देती है। हम देखेंगे कैसे होता है ये, टेबल्स जब हम पढ़ेंगे बिल्कुल बताएंगे हम इसको अच्छे से, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन जो होता है लार्ज टेबल को क्या होता है स्मॉल टेबल्स में कंस्ट्रक्ट करता है, और ये डिफाइन करता है रिलेशनशिप जो होती है उनके बीच में, ताकि आपके जो डेटा है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में दिखे यूजर को और उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्लियर हो। तो ये सब करने के लिए हमको जिस चीज की यूज होती है हम उसको नॉर्मलाइजेशन बोल रहे हैं फिलहाल, ठीक है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल नोट्स आप ले सकते हैं, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। आपको ये नोट्स हो सकता है थोड़े थ्योरेटिकल लगे या बोरिंग लगे, बट बेसिकली इसी टाइप के क्वेश्चंस वो पूछ लेते हैं कभी कभी, इसलिए आपको पता होना बहुत जरूरी है। हमारा बेसिक टारगेट है कि इस एग्जाम में ज्यादा मार्क्स कैसे लाए जाए, हमारा ये टारगेट नहीं हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, हमको स्मार्ट स्टडी करना है, वो पढ़ना है जो ये लोग पूछ रहे हैं, हमको वो नहीं पढ़ना है जो लोग नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली टारगेट है डीएसएसबी पीजीटी की जो एग्जाम है आप लोगों को निकालना, ठीक है। द वर्ड नॉर्मलाइजेशन एंड नॉर्मल फॉर्म रेफर्स टू स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, नो नीड टू एक्सप्लेन। नॉर्मलाइजेशन वॉज डेवलप्ड बाय आईबीएम रिसर्चर ईएफ कोड। तो दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है डीबीएमएस के अंतर्गत, और आपको पूरे सेशन में ये परेशान करते रहेंगे। बेसिकली ईएफ कोड के कुछ रूल्स होते हैं, 12 रूल्स होते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट के, वो भी मैं आपको थ्योरेटिकली पीडीएफ के रूप में भी दे दूंगा और यहाँ पर हम डिस्कस भी कर लेंगे। तो जो नॉर्मलाइजेशन है वो ईएफ कोड ने बनाया है 1970s में, ये थ्योरेटिकल पॉइंट आप याद रख सकते हैं। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन इंक्रीजेस क्लैरिटी इन ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन डेटाबेस, क्लैरिटी को इंक्रीज करता, राइट। तो नो नीड टू एक्सप्लेन। टू मिनिमाइज द रिडंडेंसी ऑफ डेटा हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं, एंड टू मिनिमाइज
द इंसर्ट डिलीट एंड अपडेट एनामोलीज, इस टाइप की एनामोलीज ना आए कि हम कुछ डिलीट कर रहे हैं और ओरिजिनल डेटा डिलीट हो गया, या हम कुछ इंसर्ट कर रहे हैं और ओरिजिनल डेटा से कुछ वहां पर ऐसा हो गया कि ओरिजिनल डेटा डिस्टर्ब हो गया, या कुछ हम अपडेट कर रहे हैं तो हर जगह अपडेट नहीं हुआ, पता चला एक ही टेबल में अपडेट हुआ, तो इस टाइप की एनामोलीज क्रिएट ना हो, हर जगह अपडेट हो, अगर डिलीट किया तो हर जगह डिलीट हो, अगर इंसर्ट किया तो हर जगह वो शो हो। तो इस टाइप की जो रिडंडेंसीज है उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, नॉर्मलाइजेशन। तो मुझे लगता है नॉर्मलाइजेशन का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा, बट अब ये होता कैसे, हम करते कैसे, इसको रिड्यूस कैसे करते हैं, ये सब हम आने वाले वीडियोज में देखेंगे। नाउ कुछ लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल थ्योरेटिकल रूप में आपसे पूछ सकते हैं। बेसिकली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस इन DBMS, DDL दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DCL दैट इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, एंड DML दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। नाउ यहाँ पर आप देखोगे DDL जो है वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है। वॉट डज दिस मीन? इट इज यूज टू डिफाइन डेटाबेस एंड स्कीमा स्ट्रक्चर बाय यूजिंग सम सेट ऑफ SQL क्वेरी। जब हम SQL क्वेरी लिखते हैं, आपने DBMS में SQL क्वेरी लिखी होगी, क्रिएट टेबल, अल्टर टेबल, ट्रंकेट, ड्रॉप, रीनेम, तो ये जो इनके SQL क्वेरीज हैं, जैसे कि क्रिएट हो गई है आपकी, या इस टाइप के आप स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो, अल्टर, ट्रंकेट, ड्रॉप या रीनेम, तो ये जो कीवर्ड्स हैं आपके, ये DDL के अंतर्गत आते हैं। जैसे क्रिएट टेबल, तो क्रिएट टेबल इज अ पार्ट ऑफ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो इस टाइप के बहुत बार क्वेश्चन है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम में एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था दैट इंसर्ट सिलेक्ट आर एग्जाम्पल ऑफ विच लैंग्वेज इन DBMS। तो आपको पता है सिलेक्ट और इंसर्ट DML, डेटा मैनिपुलेशन, मतलब आप डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हो, तो इस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए आपको ये याद होना जरूरी है। अगला है DCL, DCL इज नथिंग बट डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। व्हाट इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज? जो कि डेटा को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है। इसके एग्जाम्पल से ग्रांट एंड रिवोक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, NVS 2 मार्क्स क्वेश्चन। ग्रांट एंड रिवोक आर द एग्जाम्पल ऑफ DCL दैट इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। उसके बाद DML दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जो कि आपके डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए जो कीवर्ड यूज किए जाते हैं, आप जब SQL क्वेरी, SQL कमांड लिखते हो, तो वो आएगा DML में। तो विच इज यूज टू डू सम मैनिपुलेशंस इन डेटाबेस लाइक इंसर्शन। अगर आपके पास एक डेटा है उसमें आप कुछ नया इंसर्ट कर रहे हो, मतलब यू आर मैनिपुलेटिंग डेटा, तो उसके लिए जो कमांड यूज की जाती है, वो कमांड जिस लैंग्वेज के अंदर आती है उसको हम बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डिलीशन, आप डिलीट कर रहे हो तो डेटा मैनिपुलेट हो रहा है, राइट? अपडेट कर रहे हो, डेटा मैनिपुलेट हो रहा है, सिलेक्ट कर रहे हो, तो ये सारे जो कमांड्स हैं ये किसके अंदर आएंगे? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो फिलहाल आप ये याद कर लीजिए, इनको नोट कर लीजिए, ताकि ये आपको आने वाले एग्जाम में मदद करें। एटलीस्ट कीवर्ड्स की क्रिएट तो आप तुरंत बता सकेंगे DDL का पार्ट, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, हमको यही पढ़ना है फिलहाल। क्यों? क्योंकि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे, KVS NVS के पेपर, आप पता चलेगा कि इसी टाइप के क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते, कुछ कुछ ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है जो इस वीडियो सेशन में मैंने आपके साथ डिस्कस किया, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ DBMS वो आपको समझ में आया होगा। आप अपना रिस्पॉन्स दीजिए, ताकि मैं अपने आने वाले वीडियोज में और पूरी एनर्जी के साथ आपको इस सेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँ और नए नए टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूँ। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी क्वेरी है कमेंट जरूर करें और पूछते रहें अपने डाउट्स। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।